भाइयों सहारनपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो भाइयों बताया जा रहा है कि जो सहारनपुर देवबंद से जो पूर्व MLA थी शशि बाला पुंडीर, उन्होंने एक मुकदमा दायर करवाया है। तो भाइयों जैसे कि आप सभी जानते हो कि पिछले दिनों एक वारदात हुई थी जिसमें 4 आरोपियों को जेल में भेजा गया था, लेकिन जेल में जाने के बाद ही उन पर बताया जा रहा है कि किसी ने, जो पता नहीं कौन थे 2 लोग, उन्होंने उनको जाति सूचक बोल के, राजपूत बोलकर, तो जिसमें आप पढ़ भी सकते हो, इसमें जो सहारनपुर की पूर्व MLA है उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई कि जाति सूचक बोलकर उन पर उनके साथ पिटाई करने की कोशिश की। और आप देखिए कि आप आरोपी को पकड़ रहे हो तो आपने जाति सूचक शब्द कैसे बोला। जो भी आरोपी है, अभी जो जागरण न्यूज़ देख लो या कहीं भी देख लो, वहां पर बताया जा रहा है कि आरोप सही पाए गए हैं और उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। उन 2 लोगों का आप नाम भी देख सकते हो किस किस को सस्पेंड किया है, आप खुद देखिए। इनमें से एक का नाम नरेश है और एक का नाम करमवीर है। चाहे जितने भी महीने जितने भी दिन की सजा देगा वो कानून देगा, वो न्यायालय जो होती है, अदालत होती है, कोर्ट होता है, वो देता है, वो जितने दिन भी रखेगा जितने महीने भी रखेगा। लेकिन आपने वहां पर राजपूत नाम लेकर क्यों गलत अपमान किया? जो क्षत्रिय समाज का अपमान है, जैसे महक ने अपमान किया था, जो सस्पेंड से नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि अभी जांच बिठा दी गई है, जो बहु भी वहां का प्रशासन है। तो मैं प्रशासन से विनती करता हूं कि इनको सस्पेंड के साथ साथ इनको जेल में डालना चाहिए, जैसे इन्होंने उनके साथ मारपीट की है उसका मुकदमा दायर किया जाए। और इन्होंने जो राजपूत शब्द, राजपूत नाम लेकर जो भी टिप्पणी की है, तो इनको, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए अगर ये सही पाया जाता है तो। अभी महक ने कुछ दिनों पहले जो महक ने जो गलत टिप्पणी की है, उसने तो शरेआम की है जिसकी वीडियो वायरल है, उस पर बहुत सारे मुकदमे हो चुके हैं और वो अभी माफ़ी मांग रहा है। और इन्होंने जो करमवीर या जो भी है, जो 2 हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्षत्रिय समाज की मांग है जो कि क्षत्रिय समाज के सहारनपुर के लोगों ने रखी है। कुछ परिजन उनके गए, जैसे कि आप जानते हो कि जिसमें जो 4 आरोपी हैं उनको सजा जैसे भी कानून दे रहा है, जिसमें एक विक्की राणा बताया जा रहा है जो कि रणखंडी से बताया जा रहा है, एक प्रशांत राणा बताया जा रहा है, एक लवीश राणा बताया जा रहा है और एक विकास राणा बताया जा रहा है, उनको 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उन पर राजपूत नाम लेकर उन पर एक तो हमला किया गया और एक राजपूत नाम लेकर, अगर ये राजपूत नाम लेकर सच में हकीकत है तो उनको सस्पेंड तो किया गया है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुकदमा और ज्ञापन क्षत्रिय समाज द्वारा दिया भी गया